नमस्कार। सकारात्मक भारत उदय आंदोलन के इस नवे वर्ष में आरजेएस पीबीएच के पॉजिटिव मीडिया डायलॉग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं अली साजिद हुसैन आज रूबरू हो रहा हूं कवि अशोक कुमार मलिक जी से, जिनसे हम लोग जानेंगे महाकवि कालिदास के जीवन और उनकी काव्य यात्रा के बारे में। अशोक कुमार मलिक जी, आपका सादर स्वागत है। मलिक नमस्कार। जी, महाकवि कालिदास के जीवन एवं उनके कालखंड के बारे में हमें कुछ जानकारी दें। थैंक यू साजिद हुसैन जी। और मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है ये सोचकर कि 1600 साल पहले, यद्यपि उनकी काल अवधि के बारे में विद्वानों के अनेक प्रयासों के बाद भी कुछ भी निश्चित नहीं हो पाया है। आधुनिक कवियों के बारे में तो हम छोटी छोटी बातें भी जानते हैं, लेकिन ये जो महाकवि जो विश्व वंदित हैं, जर्मनी के महान कवि गेटे ने अभिज्ञान शाकुंतल, जो इनका बहुत प्रसिद्ध नाटक है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। और हमारे यहाँ अनेक लेखकों पे उनका प्रभाव पड़ा है, और आज भी शरद ऋतु के आरंभ में विशेषकर मुझे और आनंद आ रहा है, क्योंकि शरद ऋतु का बहुत मनोरम वर्णन ऋतु संहार में कालिदास ने किया है। और जिन वृक्षों का वर्णन किया, छतिवन कहते हैं उनको, सप्तपर्ण भी उस वृक्ष को कहते हैं, उन वृक्षों को, ये जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ सैकड़ों की तादाद में दिखाई देते हैं, और इस समय वो फूले हुए। कालिदास ने उनके पुष्पित होने का वर्णन किया, और उनकी महक के फैलने का और छिटकने का वर्णन किया है। तो कालिदास के विषय में हमको कुछ भी ठीक से मालूम नहीं है कि वो कब हुए, यहाँ तक कि थोड़ी बहुत अनिश्चितता नहीं है, सदियों की अनिश्चितता बनी हुई है। तो हम समझते हैं कि इस प्रकार के प्रयास का एक कारण से कोई ज्यादा मतलब नहीं रह जाता है। वो मैं मानता हूं कि कोई भी कवि, और विशेषतः महान कवि, अपने समग्र व्यक्तित्व को, जो असेंशियल उसकी भावनाएं और सोच हैं, उनको वो अपने वांग्मय में ही स्थानांतरित कर देता है, ऐसा मेरा तो मानना है ही। और मैं समझता हूँ इसमें सभी ऐसा सोचेंगे कि जब एक काव्य कृति या अन्य कोई कृति अपनी चरम स्थिति के में पहुंच जाती है, अपनी सृजनात्मकता में, तो उसमें लेखक विशेष का, कवि विशेष का असेंशियल जो व्यक्तित्व है वो उसमें समा जाता है। तो हम क्यों ना ये सोचें कि उनके मानव का जीवन तो मिलता जुलता है ही, लेकिन उनका जो हम सोचते हैं कि बहुत दूर की बात सोचते हैं, आज हम देख रहे हैं कि हमारे सामने उनका साक्षात ये मौजूद है। दिस इज विद अस, दिस इज विद अस, यू नो। तो मुझे नहीं लगता है कि तो उनका उनका जो काव्य है, उनका जो साहित्य है, वही उनका सबसे अच्छा परिचय है। मैं ऐसा मानता हूं, और बहुत मेरे से सहमत होंगे कि वो अपने काव्य में प्रत्यक्ष वर्तमान है। जी। अच्छा मलिक जी, कालिदास की कौन कौन सी काव्य रचनाएं साहित्य अनुरागियों को उपलब्ध है?
उन्होंने कई ऐसी काव्य रचनाएं लिखी हैं जिनमें बहुत सुंदरता से उन्होंने अपने विचारों भावनाओं को और अपने परिवेश को उसमें जीवंत कर दिया है। और उनके नाटक भी हैं, महाकाव्य भी हैं, खंड काव्य भी है और स्फुट कविताएं भी हैं। जैसे रघुवंश उनका अत्यंत प्रसिद्ध महाकाव्य है 18 सर्ग में, और कुमार संभव उनका दूसरा महाकाव्य है 19 सर्ग में, और मेघदूत खंड काव्य है, बहुत प्रसिद्ध है। और इसी प्रकार से अभिज्ञान शकुंतल उनका नाटक है जी जी जो कि विश्व विख्यात है जी। ये कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है शायद, क्योंकि वो प्लेराइट भी थे, पोएट भी थे। और तो इस पर आपका क्या नजरिया है मलिक साहब? उसमें तो मैं यही कहूंगा कि यद्यपि दो विराट व्यक्तित्वों को इस ढंग से मिलाया नहीं जा सकता, शेक्सपियर अपनी जगह हैं, कालिदास अपनी जगह हैं। जैसे साल का वृक्ष जो ऐसे लगता है कि आकाश छूना चाहता है, और वट वृक्ष जो है उसकी भव्यता देखकर मन पर एक उमंग और एक रहस्यमयता भी छा जाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो क्योंकि अंग्रेजों ने जब देखा कि यहाँ भी, क्योंकि विद्वान भी थे उनके साथ, तो उन्होंने जब देखा अरे कालिदास नाम का नाटककार, और उन्होंने जब वो पढ़ा, उन्होंने वो तो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, उसके बाद जर्मन में, तो वे अभिभूत हो गए, क्योंकि उनके उनको शेक्सपियर का पता था। उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की थी कि यहाँ पर उनको इस प्रकार का एक महान नाटककार जो है दिखाई दे जाएगा, तो इसलिए उन्होंने कंपैरिजन किया है। तो कंपैरिजन किया जा सकता है, वो शेक्सपियर इज कंसीडर द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ दैट साइड, एंड मोस्टली इट इज थॉट दैट कालिदास इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट संस्कृत, इनफैक्ट ही इज द ग्रेटेस्ट आई वुड से वंडरफुल वंडरफुल पोएट। यस अच्छा मलिक साहब, इनके बारे में जो ज्यादातर लोगों को पता है कालिदास जी के बारे में, तो वो एक लोक कथा टाइप की है कि वो जिस पेड़ पर बैठे थे, जिस लकड़ी पर उसी को काट रहे थे, फिर विद्योत्मा से जो उनका शास्त्रार्थ हुआ, तो उसका एक बड़ा खासे टाइप का वो है। तो इस प्रकार की जो अनुश्रुतियां हैं इनके बारे में आप कुछ बताएं हम लोगों को। अच्छा आपने ये प्रसंग उठाया है, क्योंकि गांव गांव में मैंने भी जब कभी भी कालिदास की चर्चा हुई है तो मुझे भी ये सुनने को भी मिला है, पढ़ने को भी मिला है। और ऐसा माना जाता है अनुश्रुति के हिसाब से कि वो बहुत, उनको ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं जानते थे, नितांत अभाव था, अंधकार से छाया हुआ जैसे व्यक्ति होता कह सकते हैं। तो इन्हीं विद्वानों ने जो कि अपमानित हुए थे किसी विदुषी से, उन्होंने सोचा कि इतना अपमान किया गया तो उसको बताएं कि अपमान क्या होता है। बड़ा हास्यास्पद है, और हास्यास्पद है। और उन्होंने देखा एक व्यक्ति जिसको कुछ भानी नहीं है किसी चीज का, तो उन्होंने जब दृश्य देखा जिसका आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा यह उपयुक्त
पात्र है, इसका विवाह करा दिया जाए उससे। तो उन्होंने अपने तरीके किए और जिससे उसको बोलना न पड़े, तो उसकी अज्ञानता का अंधकार ना छा जाए विदुषी के सामने। तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक लोक कथा है, इससे कुछ सत्य से इसका कोई ज्यादा नहीं, नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, है तो ये लोक कथा ही, वास्तविकता से इसका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कथा में ये भी आता है कि जब उनके विवाह हो गया तो उसको जब ये पता चला ये तो परम अज्ञानी है, तो उनको कहाँ रख सकती थी वो। उस समय तो ये स्वतंत्र था दोनों में, जो कि होना ही चाहिए। लेकिन हालांकि गलती थी, जो भी है वो अपमानित होकर जब गए तो उनको उन्होंने साधना की देवी की, और देवी के वरदान से उनको काव्य शक्ति प्राप्त हुई। तो इसके पीछे मैं बताना चाहूंगा कि मानव अपने आप में बहुत संश्लिष्ट है। हम कहते हैं वो खेती करते हैं, वो हम कहते हैं वो पढ़े अभी नहीं हुए, या अनेक प्रकार की ढंग से हम देखते हैं। मानव मात्र अत्यंत संश्लिष्ट है और उसमें सभी गरिमाएं किसी रूप में अंतस्तल में विद्यमान रहती हैं। तो वो सोचते हैं कि, और दूसरा अभी भी रहस्यमयता से हम छाए हुए हैं वैज्ञानिकों के अन्वेषण के बाद बावजूद, तो वो रहस्यमयता प्रकट होती है अनेक रूपों से, को लोग मानने को तैयार है। काव्य शक्ति को वो दैवी शक्ति मानने को तैयार, और मैं स्वयं इसको कोई वो नहीं मानता हूं। ये सत्य है कि जिस विश्व ने सृजन किया है प्राणियों का, वृक्षों का, पेड़ पौधों का, लताओं का, कीट पतंगों का, जिसके प्रति बहुत आकर्षण है कालिदास का भी, उसने वो निरंतर उससे हमारा इंटरेक्शन है। पर जहां भी हम उद्दात होना चाहते हैं, जिस ओर हम बढ़ रहे हैं, जिसका अरविंदो ने भी कहा कि हमारा अब नेक्स्ट स्टेज में जाना है, तो ये सब अंतरस्थल में मौजूद रहता है मानव के, और वो अपने ढंग से उसको व्यक्त करता है। जैसे पुराणों में भी मानव की शक्तियों को अनेक रूपों से व्यक्त किया, तो अभी भी वो मिथ करता है, ये साधारण कथा नहीं है। इसके अंतरस्थल में विराट सत्य छुपा हुआ है। वो यह है कि काव्य जो है देवी प्रेरणा है और चमत्कारी हो सकता है, ये मानव नहीं, ये दैवी शक्ति ही हमारे भीतर से अभिव्यंजना करती है। जी, तो मतलब इंस्पिरेशन इज द मेन थिंग इन अ ग्रेट पोएट। यस यस, साजिद हुसैन जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा सर, कालिदास की सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी मानी जाती है और क्यों, तो इसका थोड़ा सा विस्तार करें और आरजेसियंस भाई बहनों को सबको थोड़ा बताएं। अच्छा, यह है कि रघुवंश महाकाव्य को काव्य में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है, और वो हमारी संस्कृति को भी अनेक दृष्टिकोणों से जनमानस तक पहुंचाता है जी। आदर्श से उसमें व्याप्त है उस समय के उस हिसाब से, लेकिन वो समय अतीत है और आज भी वो आदर्श रेलिवेंट हैं और हमारे समाज को अपनाने चाहिए। मैं चाहूंगा कि हर कोई कालिदास के वो पढ़े ध्यान से और उससे टाइमलेस जो चीजों को अपनाएं। तो ये तो रहा महाकाव्य, लेकिन नाटक में अभिज्ञान शाकुंतल अत्यंत प्रसिद्ध है और यूं मेघदूत लोगों को बहुत भाता है, क्योंकि प्रेम एक ऐसा विषय है जो खासकर तरुणों को, लेकिन हर एक को वो बहुत आकर्षित करता है, और उनकी अभिव्यंजना अद्वितीय है उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कालिदास की जो सर्वमान्य काव्य शक्ति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में भी हमें बताएं।
और क्या उनका काव्य जो है वो पूर्णत्व को प्राप्त है या उसमें कहीं कोई आपको त्रुटि नजर आई? थैंक यू कि आपने त्रुटि की भी जिक्र किया। मैं मानता हूं और आप भी जानते हैं कि मानव परिपूर्णता की ओर बढ़ता है। अनंत रिविजन्स पाए जाते हैं बड़े कवियों में भी, और बाद के रिसर्च करने वालों का तो सिरदर्दी होने लगती है। हमारे यहाँ के बड़े कवियों के इतने वर्शंस मिलते हैं, कई बार तो एक ही कविता के काट छांट और के वो आसे तो पूर्णता की ओर बढ़ता है। पूर्णता कभी भी पूरी तरह से तो प्राप्त होती नहीं है, कमियां हर एक में होती हैं। एक अंग्रेज कवि ने हमारे यहाँ के महाकवि के बारे में भी कहा कि आप एक फूल फूल की जिक्र आता नहीं है कि जैसे कि रौल काल शुरू हो जाता है और प्रकृति के बहुत से उपकरण जो है सामने आने लगते हैं, तो कभी कभी खलता है। तो कालिदास यद्यपि स्वयं जब उन्होंने आरंभ किया रघुवंश को, तो उन्होंने परंपरा के अनुसार बहुत विनम्रता प्रदर्शित करी उनकी। वो पढ़ने लायक है। उन्होंने कहा है, वाग वागर्थाविव संप्रिक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अर्थात शब्द और अर्थ एक ही हैं, क्योंकि बहुत उनको उनके अंदर पहुंचने के लिए मैं क्रिएटर की वंदना करता हूं। और उन्होंने कहा है कि मैं तो मंदे कवि यशे प्रार्थी, मैं तो मेरा मेरा क्या है, मुझ में क्या है, कवि यश की प्रार्थना याचना कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं मुझे कवि यश मिले। ऐसे लगता है कि एक नाव लेके मंदे कवि यशे प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यताम, संस्कृत का स्टाइल है कि जाऊंगा मैं उपहास्यताम, मीन्स मैं मेरा उपहास होगा कि मैं छोटी सी नौका लेके वो तैरना चाहता हूँ, सागर के पार जाना चाहता हूँ। लेकिन इन्होंने जब लिखा तो उसमें आज तक भी हमारा मन चमत्कारित हो जाता है। लेकिन उनकी कमी है, जैसे ऐसा विद्वान मानते हैं, एक तो पहला तो ये कि कुमार संभव के 8 ही सर्ग जो हैं संभवतः कालिदास के रचे हुए हैं, उसके बाकी सर्ग शैली के आधार पर जब उनका विवेचन होता है तो वो कालिदास के नहीं दिखते। एक तो ये है। दूसरा ये है कि ये पाया गया कि कालिदास जो उपमाएं हैं उसके लिए प्रसिद्ध हैं कालिदास, जी, लेकिन उनकी उपमाओं की झड़ियां लग जाती हैं। वाह, बहुत सुंदर। और हमें तो वो तो बहुत पाता है, वो बहुत अच्छा लगता है, हम सराबोर हो जाते हैं। लेकिन बहुत से विद्वान जो है वो कहते हैं कि इतना अधिक झड़ियां संभवतः उतना ठीक नहीं है। कालिदास जी का वैसे तो स्थान मैं समझता हूँ बेजोड़ है संस्कृत काव्य में, लेकिन क्या उनके कुछ और समकालीन या अन्य भी कुछ संस्कृत कवि हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं? नहीं, दूसरे भी हैं, उन पर प्रभाव भी पड़ा है। अश्वघोष जो हैं उनके उसमें उनका प्रभाव दिखता है। अच्छा, और हर्षवर्धन के समय में जिन्होंने हर्षचरित लिखा है, बाणभट्ट, उन्होंने बहुत प्रशंसा की है कालिदास की, और स्वयं कालिदास ने वाल्मीकि को स्मरण किया है आदिकवि। जी, अच्छा। तो तो सब ये लोग एक जी दूसरे से इंस्पायर भी होते रहे होंगे जी और ऐसे ही भवभूति हैं अनेक। तो लेकिन जैसे आकाश में जब हम तारों को देखते थे, अब तो दिखते नहीं, तो हमें कोई कोई ज्यादा चमकता तारा दिखता है, नक्षत्र वो चमकते हुए हैं जो सभी नहीं होते। अच्छा मलिक साहब, आज का देखिए युग जो है वो बिल्कुल बदला हुआ है और कितना आधुनिक है और एक ग्लोबल विलेज बन गया है। तो आज के समय में कालिदास जी जो है वो कितने प्रासंगिक? मेरा मत है कि वो प्रासंगिक बने हुए हैं,
सबसे पहले तो मेघदूत में जो वर्णित विप्रलंब श्रृंगार है बहुत व्यापक है, उसके बहुत कारणों में और गहराई में समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन अभिन्न अंग है मानव रूह का, आत्मा का, और एक प्रकार से वियोग बहुत व्यापक है। इसको अनेक प्रकार से, अनेक दृष्टिकोणों से देखने की कोशिश की गई है जी। और दूसरा यह है कि प्रकृति के प्रति उनका जो पैशन है, जो वो सराबोर है प्रकृति के, प्रकृति से उसके प्रभावों से, वो आज तो वो ये बहुत जो ज्यादा, आज बहुत प्रासंगिक है वो। तो आरजेएस भी काफी बायोडायवर्सिटी के बारे में आजकल बहुत ही ज्यादा उस पर फोकस कर रहा है, नहीं तो ये क्या बहुत सोच, जी 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 ये बहुत सोच समझ के किया गया है। आरजेएस पीबीएच के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में ये पहले ही स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है और ये सुचिंतित है कि हमको नेचर को कंजर्व करना है और जो प्रयास हो रहे हैं उसमें हमको योगदान देना है। वाह, और आजकल की युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होती जा रही है, एकांगी होती जा रही है, हमको उसको नेचर की तरफ लाना है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी टोटल अर्थ में है, उसका संतुलन बिगड़ने से आप अगर कोई प्रोग्रेस भी कर देंगे तो उसका क्या होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो और ये जो सस्टेनेबिलिटी के प्रति जो आज दुनिया जाग रही है, ये इसका जो है श्रेय ऐसे साहित्यकारों को, ऐसे महाकवियों को जैसे कालिदास जी को जाता है कि उन्होंने प्रकृति से कितनी प्रेरणा ली और प्रकृति को अपना म्यूज बनाया एक तरीके से। जी जी ठीक कह रहे हैं हुसैन जी। और यूं तो वैज्ञानिकों की रिसर्च अनुसंधान, क्योंकि पहले तो पता ही नहीं था प्रकृति बड़ी संश्लिष्ट है, हम देख तो लेते हैं और कभी भी देखते हैं, लेकिन कवियों का दृष्टिकोण वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण नहीं होता। अगर हमको इकोसिस्टम को या धरती के प्रकृति को सही माने में समझना है तो हमको तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के पथ पर ही के से ही उस राह पे चलना होगा और उनके उन, उन उनकी बातों को ध्यान से सुनना होगा। और लेकिन कवि जो है, क्योंकि तो भावनाएं ही नहीं होंगी तो हम प्रकृति की ओर नहीं जाओगे। फर्स्ट यू हैव टू लव एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड टू कंजर्व, यू नो। तो आजकल के लोगों में इनसेंसिटिविटी जो है वो काव्य को अनुशीलन से, बचपन से ही अगर काव्य को पढ़े, मुझे याद पड़ता है जब मैंने पहले नेचर पॉइंट्स पढ़ी तो मैं दंग रह गया। मुझे वही पेड़ पौधे पशु पक्षी जो मैं देखता था उसके अंदर अचानक उसके चारों ओर एक और आलोक दिखाई देने लगा, यानी कि गहराई आ गई। वाह, कवि को पढ़ेंगे यंग लोग तो वो प्रकृति को बहुत प्रेम करेंगे और वो प्रकृति को जरूर वो बेकार नहीं होने देंगे। तो ये आज का विश्व जो है वो सस्टेनेबिलिटी के बारे में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं महाकवि कालिदास जी से। धन्यवाद। अच्छा सर, क्या कुछ ऐसे आधुनिक कवि हैं जो अपने काव्यात्मक दृष्टिकोण से कालिदास जी से प्रभावित हुए हैं? हाँ, ना सिर्फ कवि जो कि हैं ही, और मैं अभी उसका जिक्र करता हूँ, इवन मोहन राकेश, मोहन राकेश इन्होंने कल्पना करके हमें थोड़ा सा ऐसा आभास दे दिया, क्योंकि वेरी सिमिलिट्यूड इज द सोल ऑफ ग्रेट लिटरेचर। उन्होंने कालिदास को जीवंत सा कर दिया है। जैसे पहले मैंने कहा कि वो अपने काव्य में विद्वान है, लेकिन और जो उसको उनको पढ़कर जो उनको आत्मसात करते हैं तो वो अपने ढंग से देखते हैं। तो उन्होंने जो मेघदूत का विरह है, इसको जब उन्होंने आत्मसात किया मोहन राकेश ने, तो उनको आषाढ़ का एक दिन उन्होंने लिखा, इसमें कालिदास की जीवन को, उनके प्रेम को, प्रेम से वियोग को सम्मिलित ना हो पाने का दर्द और दुख
इस सबको आषाढ़ के एक दिन में वो पढ़ना चाहिए। दूसरा महाकवि रविंद्र के फेवरेट पोएट हैं कालिदास। अच्छा, ये तो उन्होंने आपने तो बता, बहुत ही रोचक आपने बात बताई। हाँ, वो कहते हैं यदि आमी यदि जन्म नितेम, आमी रविंद्र का है ये काव्य, आमी यदि जन्म नितेम कालिदासेर काले, दैवे होतेम दशम रत्न नवरत्न नेर माले। अगर मैं कवि कालिदास के समय में जन्म लेता तो देवात शायद ऐसा होता कि मैं नवरत्नों में, आप जानते हैं कालिदास को मध्यमणि माना जाता है, तो अच्छा। मैं 10वां रत्न होता। वाह वाह वाह, देखिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है। रविन्द्रनाथ ठाकुर कह रहे हैं, इतना वो इंस्पायर थे महाकवि रविंद्र। अच्छा वो उन सबकी जिक्र करते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि चलो वो जमाना गया, हम तो उस जमाने को देख भी पा रहे हैं लेकिन थोड़ा भी कालिदास नहीं देख पा रहे हमारे जमाने को। वाह, बहुत और सुंदर। फिर आगे वो कहते हैं कि उनके नाटक पढ़ते हुए जो ग्रेसफुल होती हैं, क्योंकि इनमें दैविक ग्रेस है बहुत और सुंदर। कवि जानते हैं, तो आपके ये वो दोनों, आजकल भी हैं। आपके ये दोनों फेवरेट कवि हैं, महाकवि कालिदास जी और महाकवि रविंद्र जी भी, तो आपने दोनों को बहुत अच्छी तरह से मिलाया। अशोक कुमार मलिक जी, आपने महाकवि कालिदास के बारे में इतनी अच्छी और रोचक और विस्तृत जानकारी हमसे साझा की, इससे हम सबको अपने प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने और गौरवान्वित होने का अवसर मिला। समय जरूर सीमित था लेकिन आपने उसमें हमें मतलब इंटरेस्ट जगा दिया है महाकवि कालिदास थैंक यू जी के वेरी बारे मच, में। थैंक और यू मैं वेरी मच। समझता हूँ कि ये हमारे आपके जैसे भाई बहन जो हैं वो जरूर कालिदास जी का और अध्ययन करेंगे जी और जी इसको आगे बात बढ़ाएंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद।